साथ एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। विपक्षी पार्टियों की मांग पर आज राज्यसभा में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा को मंजूरी दी गई है। कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा के प्रश्नकाल को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसके लिए स्पीकर को धन्यवाद दी और इसे सार्थक पहल बताया। आजाद ने कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री प्रतिदिन सदन परिसर में स्थिति उनके ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मौजूद रहते हैं, लेकिन इन गंभीर मुद्दों पर वे सदन में आकर बयान क्यों नहीं देते। आजाद ने कहा कि कश्मीर के रूप में हमारा ताज जल रहा है, इसकी तपन दिल तक ना सही सिर तक तो मिलती ही होगी। कश्मीर आवाम को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बारे में चिंता करना चाहिए। आजाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आपका काम आग लगाना है, आप जहां भी कदम रखते हैं आग लग जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को चुड़ाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनना उनकी जिम्मेदारी है, साथ ही वह घाटी के लोगों की हालत के बारे में दुनिया को समझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र की आगामी महासभा की तैयारी के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। शरीफ के दफ्तर की ओर से कहा गया कि बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र में शामिल किए जाने वाले एजेंडे की समीक्षा की गई। महासभा में शरीफ के हिस्सा लेने की उम्मीद है। शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उन कश्मीरियों की आवाज बनना मेरा दायित्व है जिन्हें कश्मीर में उत्पीड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय के अधिकार से इनका संयुक्त राष्ट्र की लगातार असफलताओं में से एक है। अब तक चली आ रही परंपराओं को बदलते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अब थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना के प्रमुखों, उप प्रमुखों तथा आर्मी कमांडरों के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रिंसिपल स्टाफ अफसरों की नियुक्ति में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तीनों सेनाओं में इन वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति PSO के रूप में महत्वपूर्ण मसलों पर सेना प्रमुखों को सुझाव देने के लिए की जाती है। अब तक रक्षा मंत्रालय इन नियुक्तियों के लिए सेना प्रमुखों तथा सर्विस मुख्यालय से मिली सिफारिशों पर ही काम करता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्विस मुख्यालय को बता दिया है कि उनकी सिफारिशों पर गौर किया जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय मंत्रालय का होगा। बिहार में शराबबंदी का असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार की आमदनी घट गई है और इसकी भरपाई के लिए डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर वैट 24.5% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला किया गया है, जिसे पेट्रोल 80 से 85 पैसा प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। इसी तरह डीजल पर वैट 18% से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है, जिसे डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि वैट बढ़ाने से हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। शराबबंदी की वजह से सरकार को सालाना 4 से 5 हजार करोड़ की आमदनी कम हो गई है। जानकारों का मानना है कि 5 हजार करोड़ का नुकसान का मतलब 10 हजार करोड़ का नुकसान है। संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन दिए जाने पर एक कठोर विमर्श जारी किया। इसने घाटी में अशांति को बढ़ावा दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने बासित को अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय में बुलाया और मुद्दे पर जोरदार विरोध दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने लश्कर के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली का विशेष तौर पर उल्लेख किया, जिसे हाल में एक मुठभेड़ के दौरान उत्तर कश्मीर से पकड़ा गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाया और पाकिस्तान से लगातार चल रहे सीमा पर आतंकवाद पर सख्त विमर्श जारी किया। मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में धर्म प्रचारक जाकिर नाइक पर आतंकवाद का समर्थक होने का आरोप लगाया है, साथ ही उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर धन परिवर्तन कराने सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। वही फाउंडेशन इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस आयुक्त दत्ता पत्सल भीकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी है। ढाका हमले शामिल आतंकियों के जाकिर के भाषण से प्रभावित होने की खबर आई थी। पुलिस ने 71 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, इसमें कहा गया है कि जाकिर आतंकवाद और जिहाद के नाम पर हिंसा को उचित ठहराता है। उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से प्रभावित होकर कई युवक IS में शामिल हुए हैं, साथ ही जाकिर का संगठन धर्मांतरण को बढ़ावा देता है।
चेन्नई रेलवे स्टेशन पर कल सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। स्लेम चेन्नई एक्सप्रेस जब सुबह स्टेशन पहुंची तो इसके एक डिब्बे की छत पर बड़ा सा छेद था। ट्रेन के इस डिब्बे में नोट की गड्डियों से भरे करीब 200 बक्से थे जिसे रिजर्व बैंक में जमा कराना था। जांच के बाद चला कि पश्चिम तमिलनाडु के स्लेम से चेन्नई के लिए चले इस ट्रेन में रखे करीब 340 करोड़ रुपए में 5 करोड़ गायब थे। रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एम रामा सुब्रमणी ने कहा कि हमें कुछ सुराग मिले हैं जो कि अभी जाहिर नहीं किए जा सकते। नोटों की गिनती की जा रही है जिसके बाद ही हम पक्के तौर पर बता पाएंगे कि कुल कितने रुपए गायब हैं। संभवतः 5 करोड़ रुपए के करीब चोरी हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध हीरा नंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इन डॉक्टरों पर किडनी चोरी रैकेट में शामिल होने का आरोप है। इन डॉक्टरों में अस्पताल का CEO भी शामिल है। पवई पुलिस थाने में डॉक्टरों के खिलाफ अंग प्रत्यर्पण अधिनियम 1994 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब इतने बड़े किसी अस्पताल में ऐसा कोई मामला सामने आया है। अस्पताल के ट्रस्टी निरंजन हीरानंदानी ने इस घटना को दुखद बताया है और कहा है कि ये मामला उनके लिए चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि हर राज्यों के लिए बीमा की प्रीमियम दर अलग अलग रखी गई है। इस योजना में राज्य और केंद्र को 50-50 अंशदान राशि देना है। ऐसे में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा ही क्यों होना चाहिए। बिहार सरकार का मानना है कि सभी राज्यों में बीमा के प्रीमियम दर में एक रूपता होनी चाहिए और इस योजना का 90% खर्च केंद्र को वहन करना चाहिए। केंद्र और राज्य के इस झगड़े में पीस रहे हैं बिहार के किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा की नई योजना के तहत 15 अगस्त तक राज्य सरकार को बीमा कंपनियों का चयन कर लेना है, लेकिन बिहार सरकार इस योजना की व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल हुई संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों की क्लास ली। पीएम ने इस बैठक में सांसदों को फोन कर कम बात करने को कहा। पीएम ने सांसदों से कहा कि आप सभी बहुत काम करते हैं, लेकिन एक बार आप मोबाइल फोन पर दिन भर में जितनी बात करते हैं उसका डाटा निकाल लीजिए, फिर दिन भर में फोन पर बात करने में 25% की कटौती कर दीजिए। उसके बाद आप अपने कामों को समय से पूरा कर दिया करेंगे। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकेंगे। पीएम मोदी ने मीटिंग में अपने सांसदों से उनके क्षेत्र में किए गए काम की, सरकार की योजनाओं से उनके क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिला है उसकी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है। क्या महिला सुरक्षा और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक RTI के जवाब में मुख्यमंत्री के कार्यालय ने जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है। CMO ने बताया है कि फरवरी 2015 से लेकर जून 2016 तक महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कोई बैठक हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। दरअसल BJP के प्रवक्ता हरीश खुराना ने RTI के जरिए महिला सुरक्षा और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने RTI के जरिए केजरीवाल सरकार से 14 फरवरी 2015 से लेकर 9 जून 2016 तक की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि इन मुद्दों को लेकर सरकार ने कितनी बार LG नजीर जंग, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय से बैठक की। RTI के जवाब में कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इस बारे में कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में सोनिया के रोड शो को सफल मान रही कांग्रेस अब पूरे यूपी में BJP को टारगेट करने का प्लान कर रही है। पार्टी की योजना है कि यूपी से आने वाले मोदी सरकार में हर मंत्री को निशाने पर रखा जाएगा। इसके लिए पहले उनके लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा जिसके बाद रोड शो किए जाएंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि इस दौरान मंत्री जी ने अपने मंत्रालय में क्या काम किया और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या किया। इन सवालों की पड़ताल कर रैली के जरिए वस्तुस्थिति आम जनता के सामने रखी जाएगी। कुल मिलाकर यूपी से आने वाले PM और उनके मंत्रियों को उनके ही इलाके में नाकारा साबित करने की कोशिश होगी। गालीकांड के बाद BSP सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने पिछले 2 हफ्ते में अगड़ी जाति के 30 उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं।
जिन नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। लखनऊ में मंच से बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान जब जयशंकर के परिवार के खिलाफ गाली वाले नारे लग रहे थे तब पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर जाति के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था और ये बात मायावती को भी ये बात बताई गई थी। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक स्वाति सिंह विवाद के बाद मायावती का अग्री जातियों से मोह भंग हुआ है और उन्होंने अपने जातीय समीकरण से ब्राह्मणों को दूर रखने का फैसला किया है। स्पैनिश तेलुगु ट्रेन के अब तक हुए ट्रायल से रेल मंत्रालय संतुष्ट है, लेकिन रेल बोर्ड का कहना है कि तेलुगु को मौजूदा स्वरूप में कतई नहीं चलाया जा सकता है। इसके डिब्बों की चौड़ाई भारतीय ट्रैक के हिसाब से नहीं है। इसके अलावा इस बात को लेकर भी संशय है कि तेलुगु स्पीड के लिहाज से खड़ी उतरने के बाद भी मैदान मार पाएगी या नहीं। रेल मंत्रालय का कहना है कि उनके पास सिंगल पार्टी को बिना टेंडर कोई ऑर्डर देने का नियम नहीं है, लिहाजा अगर ऐसा होता भी है तो हमें अपने जरूरतों के अनुरूप टेंडर सभी कंपनियों के लिए ओपन करने होंगे। हाल फिलहाल में इसकी कोई जरूरत नहीं दिख रही है। तेलुगु ट्रेन को लेकर रेल मंत्रालय जिस तरह से गुलाटी मार रहा है उससे सीधा संकेत यही मिल रहा है कि तेलुगु के ट्रायल ठीक ठाक रहने के बावजूद सरकार फैसला लेने में झिझक रही है। सऊदी अरब में हजारों की तादाद में फंसे भारतीयों और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी के सुल्तान सलमान ने भारतीय मजदूरों के बकाए को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने मदद के लिए करीब 178 करोड़ रुपए की धनराशि भी निर्धारित की है। सऊदी के सुल्तान सलमान ने भारतीय मजदूरों के बकाए लेकर जारी निर्देश में कहा, जब तक प्रवासी मजदूरों का बकाया नहीं दिया जाता तब तक सरकार के साथ जुड़े कंपनियों को कोई सरकारी भुगतान नहीं होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हस्तक्षेप और राज्य मंत्री वीके सिंह के सऊदी दौरे के दौरान हुई बातचीत के बाद भी किंग सलमान भारतीयों की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत को दक्षिण चीन सागर विवाद में अनावश्यक तौर पर उलझने से बचना चाहिए ताकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नई दिल्ली के दौरे के समय ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते को प्रभावित करने वाला एक और कारक न बने। चीन के एक सरकारी दैनिक ने कल ये टिप्पणी की, चीन और भारत के बीच पहले से सीमा को लेकर विवाद है। अखबार में छपे रिपोर्ट के मुताबिक भारत वांग के दौरे के समय दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के साथ अनावश्यक विवाद में संभवतः नहीं पड़ना चाहेंगे। अगर वे आर्थिक संयोग के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का इच्छुक है तो वह इस विवाद में नहीं पड़ेगा। अखबार ने कहा कि भारत के साथ आर्थिक संयोग में भारत में बने उत्पादों का चीन में निर्यात होने पर उस पर सीमा शुल्क को कम करना शामिल होगा। रियो ओलंपिक में आतंकी हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ओलंपिक पार्क में कवरेज के लिए जा रहे पत्रकारों की बस पर रियो में एक हमलावर ने फायरिंग कर बस में दो गोलियां मारी गई। गोलीबारी में बस की विंडो का कांच टूटकर दो यात्रियों को लग गया जिससे उन्हें मामूली खरोच आई। पुलिस ने स्थानीय गैंग के बदमाश पर फायरिंग की आशंका जताई है। ये बस बास्केटबॉल स्टेडियम से ओलंपिक के मुख्य स्थल की ओर जा रही थी। रियो ओलंपिक की शुरुआत से ही इस तरह की घटनाएं हो रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।